केसर बिंदनी कहाँ रह गई? केसर बिंदनी? अरे मारा लाड़े सर गाड़ी में बैठ के बाट देख रहा है और ये केसर। इप्चल। माजी साहब, मैं सोच रही थी कि मैं घर ही रुक जाऊं। क्यों? सब जा रहे हैं ना, तू भी चल। पर वो माजी साहब। जानू मैं क्यों रुकना चाहे। उस देवी के लिए चुपचाप सबके साथ गाड़ी में बैठ जा। और हाँ, तुम दोनों सुन लो, मारे आने से पहले वो छोरी घर में आई तो कोई उसकी सारवार न करेगा, जख्म पे मलम न लगावेगा। वो छोरी की खातिरदारी करने के लिए न लाई मैं, उसकी आंखों में मारे को हार देखनी है, तभी तो जाके उसका घमंड टूटेगा। इप चलो। अरे माजी साहब, देखो ना थारो बटुओ कितनो गंदो हो गयो है। ओ मनहूस छोरी, जब से आई है पूरे घर में गंदगी फैला के रखती है। अब देख के रही है, दूजा बटवा लाओ और हाँ सामान बदल लियो। अब ले क्या ला। सामान डाला, जाओ सब दूजी गाड़ी में मंदिर पहुंचो, मैं आऊंगी लाड़े सिर के साथ। जाओ। अरे जा। ठीक है माँ जी साहब। मेरी हर हार हर हालात मुझे तोड़ रहे हैं माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं, कौन सा रास्ता सही है कौन सा गलत है, आगे बढ़ू रुक जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही मुझे रास्ता दिखाइए, जिस रास्ते पे मैं चल रही हूं क्या वो सही है? बहुत अकेली पड़ गई हूं मैं, मुझे आपका साथ चाहिए। आप बस एक इशारा कीजिए कि आप मेरे साथ हो, फिर मैं अपनी हिम्मत को नहीं टूटने दूंगी। समझ गई मैं, आपका इशारा समझ गई मैं माँ। जिस रास्ते पर चल रही हूँ उसी पर चलना है और अपने अंदर के हर डर हर कमजोरी को हराना है, और जब मैं खुद से जीत गई तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। शुक्रिया माँ, अब मैंने जो तय किया है वो मैं करके रहूंगी। आज मैं अपना कल लिखूंगी, हर पल एक नया अध्याय लिखूंगी। हाँ मासा, थारे को मासे की बात करनी थी, सबको भेज दे दूजी गाड़ी में। अब तू बोल। लाड़ी सर, मैंने सुना कि तू मुझसे कुछ सवाल करना चाहता है, क्या सवाल है तारे मन में? मासा, मैं और थारे से सवाल, मैं कुछ समझा नहीं। सवाल ना करना है तो चुक्को है, इब मारे सवाल का जवाब दे के? थारे मन में वो छोरी के लिए हमदर्दी है के? मासा, ये के सवाल पूछ रही है, और थारे को ये सवाल पूछने की जरूरत पड़ गई, वो भी इस भगत के? कैसो वो जाने दे, तू जवाब दे मने। तो सुन मासा, हमदर्दी तो बहुत दूर की बात है, वो छोरी की मौजूदगी बिना मारे को गुस्सा दिलाती है, और सामने खड्डी भी होगी ना तो मारे को दिखाने देती है, और सबको पता है मासा कि थारी कही हुई बात मारे सर आंखों पर, थारे मुंह से जो बात निकलती है मारे लिए बहुत मायने रखती है, बाकी सब साइड पे, और तू नाराज क्यों होती है मासा?
मैं नाराज ना होऊंगी, पर तू भगवान से कब तक नाराज रहेगा? आज तो आएगा ना हमारे साथ मंदिर में? अरे मासा, थारे को एक ही बात कितनी बार कह चुका हूँ, सब कुछ तो पता थारे को, फिर भी वही। जानू, तुम्हारी बात कभी न टाले है, पर भगवान से कितनों गुस्सा करेगी? इतने साल बीत गए, तू नवरात्रि में हमारे साथ सारी रस्म निभावे है, पर पूजा में न बैठे। बस इब तो वो दिन की बात देखूं जब तू हमारे साथ पूजा में बैठेगा। ये क्या हो गया? तो बैठ मासा, मैं जरा देखता हूं। यो भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, फिर धुआं की थारा है। क्या करूं, ये घना जंगल में किसको बुलाऊं मैं? लारिसन, काम के लिए फोन करो तो फोन नहीं उठाते, पता नहीं कितने बजे रहते हैं। मासा, क्यों हुआ मासा, क्यों हुआ? दवाई, तारी दवाई कहाँ पर है मासा? बोली मासा, क्या कर रही है तू? पानी मैं फोन करता हूँ। ये सिग्नल नहीं आ रहा यहाँ। हम नहीं हो पाएगा। सिग्नल क्यों नहीं आ रहा यहाँ पर? क्या करूँ मैं? हेलो हेलो हेलो, मैं अधिराज रावत, मेरी मासा की तबीयत खराब हो गई अचानक से, वो बड़े वाले मंदिर के सामने। हेलो हेलो मासा, अब चिंता मत करना, आपका इलाज मैं कर रही हूँ। देवी, डॉक्टर क्यों है?
हेलो, देवी को फोन दे। जी हुकुम सा। वो मंदिर से अभी तक वापस नहीं लौटी हैं। ये तो अधिराज की आवाज। अरे सुनने का भाई, अरे मारे तुम्हें किस से बात करना चिंता क्यों हो गया मेरे को पता ना मासे इधर है बादी राज है ना तो सिर पिट आया ना तेरे को कुछ नहीं होने देगा मासा। मासा को क्या हुआ? मारे को नहीं पता, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोल रही। मैंने अस्पताल में फोन किया, सबको फोन किया, यहाँ फोन किया, घर पे फोन किया, थारे को भी फोन किया, तारा फोन, मेरा फोन, मेरा फोन आपने लिया था, मासा को, मारी मासा को, छोड़ी मारी मासा को, बचा ले। मासा को कुछ नहीं होगा अधिराज, चलिए चलिए। देखो मासा क्या हो गया, मासा मासा आपका फोन दीजिए। अरे क्या कर रहा है, फोन पर सिग्नल ना है हमारे, इन्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मासा मासा सांस लेने की कोशिश कीजिए, मासा आप मुझे सुन सकती हैं? मासा 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 मासा
सकता? मासा की धड़कनें बहुत कमजोर हो रही है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अरे क्या हुआ था? क्या हुआ हमारी मासा को? डॉक्टर ही पड़ी हुई है। इस वक्त नहीं, इस वक्त चिल्लाने और धमकाने से कुछ नहीं होगा। बस मेरी बात सुनिए, मुझे मदद कीजिए। लेकिन मेरी मासा को ठीक। फर्स्ट एड किट है हमारे पास। ना यो यो तो कुछ ना। फिर कुछ कुछ नुकीली चीज है? चाकू चाकू ब्लेड सुई? ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तुम देख ना हमारी मासा को ये सब क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी मासा को ठीक कर। मासा गाड़ी में कोई पेन है? पेन ढूंढिए ना, देखिए ना, प्लीज होगी कोई पेन प्लीज। मासा मासा सुन पा रही है आप मुझे? सुनने की कोशिश कीजिए मासा। कुछ नहीं होगा, जल्दी करना। देख हमारी मासा। एक साफ कपड़ा लेके आइए ना प्लीज। मेरी मासा ठीक हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी ना जी? आप चिंता मत कीजिए। मासा मासा मेरी आवाज सुन सकती है आप? आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मासा के ब्लड वेसल्स मतलब खून की नली में हवा फंस गई है, जिसके वजह से एक प्रेशर बन रहा है और ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है अगर ऑक्सीजन दिमाग तक सही वक्त पर नहीं पहुंची तो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, विश्वास कीजिए मुझ पे। हे माँ शक्ति देना। पक्का ना हमारी मासा ठीक हो जाएगी ना ऐसे? रुमाल इसको इससे बांध दीजिए इधर। चलो नीचे उतारो जल्दी जल्दी। जरा साइड हटिए, मुझे देखने दीजिए। ये सब किसने किया? जी डॉक्टर साहब, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो मुझे थोड़ा बहुत पता था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती थी। वैसे आपने बहुत समझदारी से काम किया है, उसी से इनकी जान बची है। इन्हें स्ट्रेचर पर ले चलो। डॉक्टर साहब मेरी मासा को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी मासा एकदम ठीक है। वैसे मानना पड़ेगा आपकी पत्नी ने जो भी किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है।
थैंक यू।